हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का जो कि है हमारा कैपिटल गेन ये जो है इसमें आपका जो चैप्टर है ये आपका इससे रिलेटेड है कि अगर आप अपनी किसी भी तरह की कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करने से जो आपको गेन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन अब यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज क्या है द बेसिस ऑफ चार्ज इज द प्रॉफिट एंड गेन आराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इन प्रीवियस ईयर अब आपको पता है कि हम दो ईयर को देखते हैं हमेशा एक हम देखते हैं असेसमेंट ईयर को और एक हम देखते हैं प्रीवियस ईयर को ठीक है अब हमारा जो भी हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसमें जो भी हमने इनकम को अर्न की होती है उसका टैक्स हम कहाँ पे करते हैं हमारे असेसमेंट ईयर में तो अगर हमने अपने प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह की कैपिटल असेट का ट्रांसफर किया है और उस ट्रांसफर से हमें किसी भी तरह का गेन हुआ है तो उस गेन को हम कहाँ डालते हैं अंडर द कैपिटल गेन के हेड में ठीक है अब इसका बेसिस ऑफ चार्ज जो है सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन वन के अकॉर्डिंग क्या है एसिड ट्रांसफर शुड बी अ कैपिटल एसेट जो भी आप एसिड को ट्रांसफर करेंगे वो आपकी कैपिटल असेट होनी चाहिए सबसे मेन बात है ये है दूसरी है इट शुड बी ट्रांसफर बाय अस इन प्रीवियस ईयर ये जो है एस के द्वारा प्रीवियस ईयर में ही ट्रांसफर की जानी चाहिए उससे पहले अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो वो तो आपका इस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्सेबल नहीं होता ठीक है वो आपका प्रीवियस ईयर जैसे आपका हम कहें कि आपने थर्टीन फोर्टीन में आपने ट्रांसफर करी थी ठीक है तो उसका आप टैक्स क्या यहाँ पर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पे करेंगे या ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पे करेंगे तो वो जो आपका टैक्स जो पे होता है वो आपका असेसमेंट ईयर में होता है हमारा जो असेसमेंट ईयर इस टाइम पर चल रहा है वो है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू उसके बाद है देयर शुड बी प्रॉफिट एंड गेन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर अगर आप किसी भी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं चाहे वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है चाहे वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है अगर किसी भी तरह से आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आपको क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी तरह का आपका गेन होना चाहिए उस एसेट को ट्रांसफर करने पर ठीक है फिर हमारे पास उसके बाद आता है कैपिटल एसेट का मतलब तो कैपिटल एसेट को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पहली की प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बाय बायसेसी कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट कैपिटल एसेट का मतलब होता है कि आपने किसी भी तरह की जो आपने प्रॉपर्टी है अपने पास रख रखी है किसी भी असेसी ने चाहे असेसी में कौन कौन इंक्लूड होता है आपकी कंपनी इंक्लूड्स हो जाती हैं ए पी बी ओ पी या सॉरी बी ओ आई और कोई भी इंडिविजुअल जो हैं वो इंक्लूड होते हैं अगर उन्होंने किसी भी तरह की एसेट अपने पास रख रखी है चाहे वो उनके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे उनके बिज़नेस से कनेक्टेड नहीं है उन प्रॉपर्टीज़ को आप कैपिटल असीट के अंदर इंक्लूड करेंगे या फिर एनी सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज़ इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज़ विद द रेगूलेशन अंडर सेबी एक्ट नाइनटीन सेबी एक्ट के अंदर अगर उन्होंने किसी भी तरह की जो है सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी हैं और उन सिक्योरिटीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है जो कोई अगर बाहर का इन्वेस्टर है या आपने बाहर की किसी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रखा है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ को भी आप किस में इंक्लूड करते हैं कैपिटल असेट्स में उसके बाद है एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज़ एग्जम्प्ट अंडर क्लास टेन डी सेक्शन टेन डज नॉट अप्लाई अगर आपने किसी भी तरह की यूनिट को ले रखा है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक्ड है और जो कि एग्जम्प्ट भी है अंडर क्लास टेन डी टेन डी के क्लास में और सेक्शन टेन के क्लास में एग्जम्प्ट है तो उन पर इस तरह का कैपिटल एसिड का जो नेचर है वो अप्लाई नहीं होगा यानी उनको आप कैसे कैपिटल एसिड कंसिडर नहीं करेंगे अब हमारी कैपिटल असेट्स कौन सी होती हैं कैपिटल एसेट्स को हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारी मूवेबल असेट्स भी हो सकती हैं इमूवेबल असेट्स भी हो सकती हैं टेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं इंटेंजिबल भी हो सकती हैं फिक्स्ड भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग भी हो सकती है और कैपिटल असेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं आपकी लैंड आपकी बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट गुड विल लीज होल्ड राइट्स ज्वेलरी शेयर्स मैन्युफैक्चरल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस असक्ट्रा ये सारी आपकी कैपिटल असेट्स में इंक्लूड हो सकती हैं अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पन है क्या एक्सेप्शन हैं कि कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा कमर्शियल गुड्स एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटीज मैं इन पार्ट बी कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मेटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इज बिजनेस और प्रोफेशन क्या है कि अगर आप स्टॉक को स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि अगर आप मान लो आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की है ठीक है आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह की असीट्स को आप जो हैं अपने कैपिटल असीट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी एक तरीके से बिज़नेस रिलेटेड भी हो जाती हैं और दूसरी बात है कि कंज्यूमर स्टोर या आपने रॉ मटेरियल अपने पास रख रखा है किस पर्पज से कि आप बिज़नेस या प्रोफेशन को रन अप करेंगे तो उसको भी आप कैपिटल असीट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो असीट्स होंगी ये जो आपके रॉ मटेरियल हैं या कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह हैं ये जो है आपके कहाँ पर इंक्लूड होंगे बिज़नेस एंड प्रोफेशन के हेड में फिर है मूवेबल असेट फॉर पर्सनल यूज़ अगर आपके पास कोई मूवेबल असेट्स है इंक्लूड्स विविंग क्लोथ्स फर्नीचर फर्नीचर है कार है रेफ्रिजरेटर है ये आपके घर में मोस्टली सामान मिल जाएगा आपकी विविंग क्लोथ्स की मशीन मिल जाएगी आपको आपको फर्नीचर मिल जाएगा आपके घर का आपका सोफा हो गया आपका कुछ भी जो भी फर्नीचर आप यूज़ करते हैं आपकी कार हो गई आपके रेफ्रिजरेटर या आपका लैपटॉप या आपका टेलीविजन जो कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसे ऐसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है उन मूवेबल असेट्स को और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली या फिर आपके फैमिली के जो लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम मूवेबल एसेट्स बोलेंगे और आप ख़ुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इन एसेट्स को भी आप जो हैं कैपिटल एसेट के अंदर नहीं गिनते हैं और इसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता क्या आप अपना आप टी देखते हैं क्या टी के ऊपर आपको देखने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है या आप अपना जो है फ्रिज चलाते हैं या अपना जो कह सकते हो आप रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो क्या उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं आप अपनी कार को चलाते हैं क्या उसके ऊपर टैक्स पे करते हो ऐसा नहीं होता है ना तो हम क्या करते हैं अब इसमें कुछ एग्जाम्बिशन्स हैं जहाँ पर आपके अगर आपका खुद का पर्सनल यूज आप कर रहे हैं तब भी उसको हम जो है आपके कैपिटल गेन के अंदर गिनेंगे ठीक है तो फॉलोइंग एसेट विल नॉट बी ट्रीटेज एस अ पर्सनल एसेट इन एसेट्स को आप पर्सनल एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते और ये जो है टैक्स पे करने के लिए ये एसेट्स लाइबल होती हैं जैसे आपका है आर्चोलॉजिकल कलेक्शंस आप जो हैं पुराने किसी जो आ, चीज़ें होती हैं पुरानी पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उनकी कलेक्शन आप अपने पास रखते हैं या फिर आपके पास कुछ ड्राइंग्स हैं आपकी पेंटिंग्स हैं कुछ स्कल्पचर्स हैं या किसी तरह का वर्क है आर्ट का वर्क है ठीक है आपके पास ज्वेलरी आपके पर्सनल यूज़ के लिए तो ये जो है ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि आप अपने लिए यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है आपकी कोई भी ओर्नामेंट जो कि आपके गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम या किसी अदर प्रिशस मेटल से बने हुए हों और क्या इंक्लूड होता है कि किसी और तरह का प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन है किसी तरह का आपने देखा होगा जो बहुत कीमती स्टोन होता है वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर यूटेंसिल और आर्टिकल चाहे आपने अपनी किसी भी फर्नीचर या किसी यूटेंसिल में या किसी भी आर्टिकल में आपने नहीं जुड़वा रखा है यानी कि जैसे हम मान लो मेरे पास एक रिंग है ठीक है उसमें एक मैंने बहुत प्रीशियस स्टोन अगर जुड़वा रखा है उसमें लगवा रखा है तो वो मेरे क्या हो गए उस रिंग के ऊपर भी मेरे को टैक्स पे करना होगा लेकिन अगर वो मैंने नहीं जुड़वा रखा है वो मैंने अलग से कहीं रख रखा है उस स्टोन को भी वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है उसकी वैल्यू भी बहुत हाई है मार्केट में तो आपको उसके ऊपर जो है टैक्स पे करना होता है फिर यहाँ पर रहता है एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर लैंड का हमने जो पूरा चैप्टर किया था तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड था यहाँ पर भी वही बातें हैं जो आपने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ी थी यहाँ पर क्या है अगर आपकी लैंड जो है एग्रीकल्चर इंडिया में सिचुएटेड है तो तो आपको टैक्स मैंने आपको बताया था कि पे करने की जरूरत नहीं होती है बस हाँ ये होता है कि हम उसको फॉर्मेट पे पहले दिखा देते हैं बाद में उसी टैक्स को हम लेस कर देते हैं लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट सिचुएटेड अगर वो सिचुएटेड नहीं है तो क्या होगी कंडीशंस विद इन द लिमिट्स ऑफ एनी म्यूनिसपालिटी और कैन टोर्नमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ टेन और मोर अगर उनकी जो लिमिट्स हैं यानी वो जो है म्यूनसिपैलिटी के अंदर अगर है और जिसकी पॉपुलेशन वहाँ म्यूनसिपैलिटी के अंडर जो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो दस हज़ार या उससे ज़्यादा है तो आपको जो है वहाँ पर ये लिमिट दी गई है इसके एरिया के बाहर अगर आपकी जो लैंड है वो है तो आपको वहाँ पर टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है फिर है विद इन द एरिया मेजर्ड एक्चुअली स्पेसिफाइड बिलो अगर इन एरिया में भी है तो देखो कैसे होगा क्या क्या एरिया हैं ये हमने तीन पॉइंट्स उस टाइम पे भी किए थे जब हमने एग्रीकल्चर चैप्टर किया था नॉट बींग मोर देन टू किलोमीटर फ्रॉम लोकल लिमिट्स पॉपुलेशन मोर देन टेन थाउजेंड बट नॉट एग्जीड वन लाइफ यानी आपका जो है ज़्यादा लोकल लिमिट से दो किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पॉपुलेशन भी जो है दस हजार से लेकर एक लाख तक की होनी चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें क्या बोला है लोकल लिमिट से छः किलोमीटर की दूरी ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए और जो पॉपुलेशन है वो वन लाख होनी चाहिए और टेन लाख से तक होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पर है आठ किलोमीटर तक की दूरी और लोकल लिमिट से यानी म्यूनसिपलिटी से ज़्यादा इतने टाइम तक आप जो हैं आठ किलोमीटर तक भी दूरी नहीं होनी चाहिए और ना ही टेन लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन वहाँ की होनी चाहिए अब इसके बाद हमारे पास आते हैं गोल्ड बोंड्स ठीक है एक गोल्ड बोंन्ड होता है जो है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का जिस जो गोल्ड बोंड नाइनटीन सेवेंटी सेवन को लाया करता है यानी उस टाइम पर ये इसको इशू किया गया जाता किया गया था और फिर सेवन परसेंट का गोल्ड बॉन्ड है नाइनटीन एट्टी का नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स है नाइन्टीन एट्टी के अगर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं तब आप इसको कैपिटल असीट के अंदर जो है इंक्लूड नहीं करते हैं ठीक है अगर इस तरह से आपकी स्पेशल बियर बॉन्ड्स हैं नाइनटीन नाइन्टी वन वाले तो उसको भी आप अपने कैपिटल एसेट के अंदर इशूड नहीं करेंगे सॉरी कैपिटल के अंदर कंसिडर नहीं करोगे ठीक है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अगर आप इशू किए गए हैं चाहे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के द्वारा नाइनटीन नाइन्टी नाइन वाली या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं अंडर द गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम नाइन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था तो उस केस में भी अगर आपने इस तरह के बॉन्ड्स को ले रखा है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो भी आपका जो है टैक्स आप पे नहीं करेंगे ये भी आपके कैपिटल असेट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड असेट्स सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का मतलब है इनको आप जो है कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस यानी आप खुद से अपने खुद एसेट को जनरेट करते हैं अब आप आपने क्या करा अपना बिजनेस स्टार्ट करा उससे आपकी जो है गुडविल बढ़ी गुडविल बढ़ने का मतलब क्या है आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हुई अगर आपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स दिए हैं आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है वो आपकी गुडविल जनरेट हुई तो ये क्या है आपकी सेल्फ जनरेशन एसेट्स हैं तो इनको आप कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट्स स्टेज कैरेज परमिट्स और लो मार्स आपने अपनी तरफ से लो मार्स वगैरह दी हैं टेनेंसी राइट्स जो हैं वो भी आपने जनरेट करे हैं तो इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ता है टैक्स देना पड़ता है और इसको भी आप अपनी कैपिटल असीट के अंदर इंक्लूड करते हैं उसके बाद क्या है राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग किसी भी तरह की आपने मैन्युफैक्चरिंग की है आपने किसी भी तरह का प्रोडक्ट या किसी भी तरह का आर्टिकल जो है मैन्युफैक्चर किया है तो वो भी आपका कहाँ आ जाएगा कैपिटल असीट के अंदर और अगर आपके पास राइट है बिजनेस को कैरी ऑन करने का या प्रोफेशन को कैरी ऑन करने का तो वो भी आपका कैपिटल एसेट्स के अंदर इंक्लूड होता है उसके बाद है टाइप ऑफ कैपिटल एसेट क्या क्या टाइप्स होते हैं कैपिटल एसेट के पहली बात तो कैपिटल एसेट्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं एक होता है आपका शॉर्ट टर्म दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली कैपिटल एसेट जो है सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी टू ए के अंदर लाई करती है और लॉन्ग टर्म वाली जो है वो सेक्शन टू के अंदर ही होता है लेकिन कौन सा सब सेक्शन है ट्वेंटी नाइन डबल ए वाला ठीक है अब इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन असेसी फॉर नॉट मोर देन थर्टी सिक्स मंथ्स इमिडिएटली प्रिसडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर ठीक है अब मैंने कैपिटल असेट तो ली ठीक थी, है मैंने अब उसको लिया था मान लो टू थाउजेंड एंड वन में लिया था क्लियर है अब मैंने उसको जो है ट्रांसफ़र किया अब अगर मैंने जब उसको ट्रांसफ़र किया तो मेरे को छत्तीस महीने से ज़्यादा हो गए ना कहाँ टू थाउजेंड एंड वन और कहाँ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू छत्तीस महीने से ज़्यादा हो गए छत्तीस महीने कितने हो गए आपके तीन साल तीन साल से उस एसट से तीन साल से ज़्यादा मैंने उस एसट को रखा तो वो कहाँ चली जाएगी लॉन्ग टर्म में चली जाएगी लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन में लिया था तो मेरे को छत्तीस महीने से कम है रखा हुआ सिर्फ एक साल ही हुआ है तो उसको हम कहाँ पर इंक्लूड कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के अंदर ठीक है अब उसके बाद कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर अगर आपने इसको ट्रांसफ़र किया यानी यहाँ पर ट्रांसफर का सिंपली मतलब आप मान लीजिए सेल्स है ठीक है अगर आपने इसको जो है ट्रांसफ़र किया है और उस ट्रांसफर से अगर आपको किसी भी तरह का जो गेन है या प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप क्या बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर जो है ये एसेट नहीं आएगा यहाँ पर आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ठीक है अब यहाँ पर क्या होते हैं हमारी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होती हैं इनको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि कुछ के लिए तो टाइम पीरियड आपका ट्वेल्व मंथ्स का ही होता है और कुछ के लिए ट्वेंटी फोर और कुछ के लिए थर्टी सिक्स मंथ लेकिन मैक्सिमम जो टाइम लिमिट होती है वो थर्टी सिक्स मंथ्स की होती है इसलिए आपने डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो ये बता देंगे कि हाँ थर्टी सिक्स मंथस का होगा लेकिन अगर आप डेफिनेशन इसके साथ ये तीन पॉइंट भी जो एक्सेप्शन के हैं वो भी बता देते हैं तो बढ़िया बात है ठीक है इन केस ऑफ फाइनेंशियल असिट अगर आपने किसी भी तरह के आपके पास फाइनेंशियल एसेट है जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं या यूनिट यूनिट uh, है आपके पास ट्रस्ट ऑफ इंडिया की या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट है या ज़ीरो कूपन बॉन्ड वगैरह है लेकिन ये लिस्टेड है सारे तो अगर ये एसएससी के पास बारह महीने से ज़्यादा है बारह महीने से ज़्यादा के लिए पड़े हैं तो वो तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में हो जाएगा लेकिन बारह महीने से कम के लिए होने चाहिए आपने जो है इसको एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए रखा हो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया हो तो हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानेंगे और इससे होने वाला जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके बाद है अगर आपके पास किसी भी तरह के अनलिस्टेड शेयर हैं कंपनी के या फिर आपके पास अनलिस्टेड जो है लैंड बिल्डिंग या दोनों हैं सॉरी अनलिस्टेड शेयर हैं कंपनी के या फिर आपके पास लैंड है बिल्डिंग है या आपके पास लैंड बिल्डिंग दोनों ही है और आपने उसको ट्वेंटी फोर मंथ से पहले पहले ही ट्रांसफ़र करा दिया तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी और इससे होने वाला गेन क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसके बाद है अगर आपकी जो असीट्स हैं वो यूज़ की गई हैं बिजनेस और प्रोफेशन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यू डी वी मैथड डब्ल्यू डी वी मैथड का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड से अगर आपका जो है इससे डेप्रिसिएशन लग रहा है आपके असेड्स पर और आप जो है इस असेड को बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एस एस सी जो है उसको थर्टी सिक्स मंथ से पहले पहले अगर ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे और इससे होने वाला जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अब जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असीट्स अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असीड का मतलब होता है कि वो कैपिटल असेट जिसको एस ने अपने पास छत्तीस महीने से ज़्यादा रखा हो ठीक है तो उसके जब उसने छत्तीस महीने से ज़्यादा रखा और उसके बाद उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेड कंसीडर करेंगे और इस कैपिटल असीड से होने वाला जो गेन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ठीक है अब इसमें जो आपके अदर एसेट्स हैं मशीनरी फर्नीचर वगैरह तो इस तरह के एसेट्स पर आपका थर्टी सिक्स मंथ्स का ही जो है टाइम पीरियड लागू होता है अब इसकी एक्सेप्शन्स क्या हैं जैसे उसकी एक्सेप्शन्स थी शॉर्ट टर्म वाले की तो इसकी भी एक्सेप्शन है पहली ये कि अगर आपके पास किसी तरह की लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं या यू टी आई बॉन्ड है या आपके पास जो है इक्विटी ओरिएंटेड बॉन्ड है तो वही है आपका ट्वेल्व मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास लैंड बिल्डिंग है तो एस ने इसको ट्वेंटी फोर मंथ से ज़्यादा हेल्ड कर रखा हो अपने पास लेकिन यहाँ पर अब एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग या दोनों आपके पास हैं आपके पास लैंड भी है बिल्डिंग भी है तो अगर आपने ट्रांसफ़र किया है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन तक यानी उस तक या उससे पहले तब आप थर्टी सिक्स मंथस का ही टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे लेकिन अगर आपने फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन को या उसके बाद अगर आपने ट्रांसफ़र किया है उस एसेट को तो आप ट्वेंटी फोर मंथ्स का जो है टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे ठीक है क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला होगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है आपने इसको खुद ही कंसिडर करना है इन टाइम पीरियड्स के थ्रू तो वो आपने बात ध्यान में रखनी है आज जो है हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय